फ्रेंड्स, पूरे एक हफ्ते के बाद मैं वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं। एग्जाम चल रहा था और मैं थोड़ा बिजी हो गया था, और ऐसे ही अब हफ्ते में एक दिन ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आइए, आज की वीडियो में क्या है थोड़ा उससे बात हो जाए। तो पहले ये सुन लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको ठीक से नहीं समझने की वजह से हमेशा वो बात आपको परेशान करती है और कंप्लीटली उसको आप नहीं समझ पाते हैं। पढ़ाई होती है क्लास में, किताब में आप देखते और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज आपको क्लियर नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीजें आज मैं लेकर आया हूं जिसे आज एक एक करके क्लियर करूंगा। वीडियो देखने में बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे। एक बात भी समझ में अगर आपको ठीक से नहीं आती है तो आपका वीडियो देखना बेकार हो जाएगा, इसलिए ठीक से वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्लॉज किसे कहते हैं? अब ये क्लॉज है, ये कुछ लड़कों को हमेशा परेशान करता है कि क्लॉज क्या होता है। तो पहले इसी को समझ लिया जाए, क्लॉज किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, और लास्ट सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो इन सारी चीजों पे आज डिस्कशन होगा। ठीक से देख लीजिए वीडियो और समझ लीजिए, फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि आप दूसरों को भी आसानी से समझा सकेंगे। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लॉज किसे कहते हैं? तो क्लॉज प्रूफ ऑफ वांट्स होता है, ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, ये एक अलग सेंटेंस भी होता है या किसी दूसरे सेंटेंस का हिस्सा भी होता है, पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जैसे ही प्लेज, इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज फाइनाइट वर्ब है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये अपना, इसमें एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे ही प्लेज सब्जेक्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और अभी मैंने कहा कि ये एक सेंटेंस भी होता है और साथ ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी सेंटेंस का हिस्सा भी होता है ये। जैसे ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड, यहां पर ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट है और देख लीजिए वर्ब है। इसी तरीके से दैट आई आस्क्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी एक सब्जेक्ट है और वर्ब देख लीजिए। तो ये सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। एक चीज क्लियर हो गई आपके क्लॉज के बारे में, क्लॉज क्या होता है। अब दूसरा है फाइनाइट वर्ब की बात आई है कि ही प्लेस, जैसे ही ये सब्जेक्ट है और प्लेस फाइनाइट वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये भी समझ ले। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में समझाने की, लेकिन जब टाइम ही दे रहे हैं तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का रूप बदलता है। फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का रूप बदलता है। जैसे ही प्लेज, दे प्ले, यहां पर देखिए वर्ब कैसे बदल रहा है, ही है तो प्लेज है और दे है तो प्ले है। तो ये देख रहे हैं हम कि ही के साथ प्लेज आ गया, दे के साथ प्ले आ गया, दोनों सब्जेक्ट में वर्ब का रूप अलग अलग है। तो पता ये चला कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ बदलता है, ये वर्ब कहलाता है फाइनाइट वर्ब। अब तीसरा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है।
फाइनाइट वर्ब आया तो थोड़ा नॉन फाइनाइट को भी जान ले कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के प्रभाव से आजाद होता है। फाइनाइट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलता है, लेकिन नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट का कोई प्रभाव वर्ब पे नहीं पड़ेगा। वर्ब का जो अपना रूप है वही रहेगा, जैसे ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, यहां पर टू प्ले देख लीजिए, ही के साथ भी टू प्ले आया, वी लाइक टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले देख लीजिए, वी के साथ भी टू प्ले आया, ही के साथ भी टू प्ले, वी के साथ भी टू प्ले, इसका रूप नहीं बदलता है, ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के प्रभाव से मुक्त होता है। नंबर फोर है, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज क्या है। हमेशा आता रहता है ये सेंटेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, या उसको मेन क्लॉज ही कहते हैं, मेन क्लॉज कौन है, सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन है। तो थोड़ा इसको भी जान लें कि एक सेंटेंस आपको दिया गया था उसमें प्रिंसिपल क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। तो अब समझ लेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज क्या होता है। देखिए, इसका अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का, मेन क्लॉज का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता है। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, इसका कंप्लीट मीनिंग होता है अपना। जैसे द बॉय स्टूड अप व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, द बॉयज स्टूड अप व्हेन आई एंटर द क्लासरूम, इसमें ये मेन क्लॉज हो गया, द बॉयज स्टूड अप ये मेन क्लॉज हो गया, लड़के खड़े हो गए, ये सेंटेंस किसी पर निर्भर नहीं करता है, लड़के खड़े हो गए ये इसका मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन व्हेन आई एंटर द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम में दाखिल हुआ, इंटर किया मैंने, तो इस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के सहारे की जरूरत पड़ती है। व्हेन से जो शुरू हो रहा है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बना रहा है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग देता है वो मेन क्लॉज है, वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, ये किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी किसी सेंटेंस के साथ जुड़ा रहता है। अब लास्ट है सबॉर्डिनेट क्लॉज। आपने प्रिंसिपल क्लॉज समझ लिया है, मेन क्लॉज समझ लिया है, तो आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे ये क्या कौन सा सेंटेंस है। सबॉर्डिनेट का पहले मीनिंग जान लें कि सबॉर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है तो अच्छा रहेगा। सबॉर्डिनेट का मीनिंग होता है अधीन, मातेहत। आप किसी के अधीन होते हैं, हम किसी के अधीन होते हैं, मातेहत होते हैं, तो सबॉर्डिनेट हो गए। तो सेंटेंस भी दूसरे के अधीन होता है। कैसे अधीन होता है देख लीजिए, इसका अर्थ है अधीन, दूसरे पर निर्भर करने वाला। जैसे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, इसमें वेयर आई स्टडी क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है। वेयर आई स्टडी, जहां मैं पढ़ता हूं, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और दिस इज द स्कूल, ये मेन क्लॉज है। तो अब एक सेंटेंस में एक मेन क्लॉज आता है तो दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज भी आ जाता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज को सहारे की जरूरत पड़ती है मेन क्लॉज के। जैसे अगर कहेंगे वेयर आई स्टडी, जहां मैं पढ़ता हूं, तो इससे कोई माने क्लियर नहीं होगा। और जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लासरूम, जब मैं क्लासरूम में गया, इंटर किया, प्रवेश किया मैं, तो इससे भी मीनिंग क्लियर नहीं होता है। जब तक प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज का सहारा नहीं लेंगे, तो पता ये चला
कि सबॉर्डिनेट क्लॉज किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ा रहता है, आप थोड़ा सा माने इंफॉर्मेशन जानकारी उससे मिलती है। इस सारी चीज आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी। अगर एक बार वीडियो देख के क्लियर नहीं हो तो दोबारा आप वीडियो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगी मैं समझता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।